हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए, मैंने अलमारी का कवर बनाया है। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से इस अलमारी कवर बनाना बताऊंगी। मैं इसी अलमारी का कवर बनाई थी तो उस पर कमेंट आ रहा था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही, थोड़ा आराम से बताइए। मैं आज आपको इतना आराम से बताऊँगी कि आपको बिना किसी प्रॉब्लम के इस अलमारी कवर बनाना एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हमारी बड़ी अलमारी है। मैं आपको इसकी अलमारी कवर बनाने के लिए पुरानी साड़ी से आपको बताऊँगी। आप चाहे तो कोई सभी न्यू कपड़े लेके बना सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको आप इसके आगे वाले पार्ट्स को बनाएंगे। तो आँचल वाले पार्ट्स में हमारा थोड़ा वर्क ज़्यादा होता है तो हम उसको आगे कर लेंगे ताकि हमारा थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो देखिए, जो वर्क वाला हमारा कपड़ा है तो इसको हम इस तरीके से अपनी अलमारी के पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक लंबाई के माप ले लेंगे। हमें नीचे इसमें फ्रिल बनाना है तो उसके लिए हमें 5 या 6 इंच, मतलब आपके पास अगर इंची टेप नहीं है तो आप 8 इंच ऐसे 4 8 अंगुल का माप लेके आपको जितना बड़ा फ्रिल बनाना है उतना आप लंबाई कम नाप लीजिए इस तरीके से। और इसके बाद आपको यहाँ से इस कपड़े में से ऐसे कटिंग कर लेना है। नीचे जब हम फ्रिल बना लेंगे तो हमारा लंबाई कंप्लीट हो जाएगा। हमें उतना ही छोटा रखना है जितना कि आपको लंबा फ्रिल बनाना है। तो कम से कम आपको 8 अंगुल की लंबाई भर का 5 या 6 इंच का लंबाई माप के आप छोड़ लीजिए। और ऊपर से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इसमें देखिए, इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि हमारे सिलाई में चला जाएगा 1 इंच। अब हम इसी कपड़े को इस तरीके से आधा आधा कर लेंगे। तो ये देखिए, तो ये हमारा आगे वाले पार्ट्स का कवर बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारा वर्क है तो ये हमारा जगह जगह पे वर्क है तो हमें ऐसे फाड़ेंगे तो फट नहीं पाएगा। तो हमें इसको आराम से कैंची से धीरे धीरे बिल्कुल सीधा काटना है। आपको उस तरीके से काटना है कि आपका कपड़ा बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना कटे, एकदम सीधा कटे। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पे हर तरीके के कवर के वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये देखिए, आपको इस तरीके से हमारा आधा आधा हो गया है। मैं इस पर हम किसी चीज़ से दबा लेंगे इस तरीके से, फिर आपको नाप समझ में आएगा अच्छे से। ये देखिए, ये जो हमारा बॉर्डर वाला है तो इस बॉर्डर को हम बीच में ही करेंगे दोनों साइड से ताकि हमारा थोड़ा अच्छा दिखे। इसको हम किस तरह से डेकोरेट करें हमारे अपने में है कि हम इसको कैसे करेंगे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर इस हम बॉर्डर को बीच में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब हमारा ये जो साड़ी बच गया तो हम इसी साड़ी से अपने इस पूरे अलमारी के जो ऊपर वाला पार्ट्स है, सबसे ऊपर के पार्ट्स को हम बनाएंगे कवर। तो आपको इसकी चौड़ाई का माप ले लेना है और फिर इसकी इस तरीके से इधर से भी चौड़ाई ले लेना है। देखिए, तो आपको इस तरीके से माप लेके फिर हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये ऊपर हमारा सबसे प्लेन वाला कपड़ा है ताकि हमें ऊपर दिखता नहीं है तो हम वर्क वाले कपड़े को नीचे साइड से कर देंगे तो हमारा अच्छा दिखेगा। ये देखिए, अब आपको इस तरीके से इसकी पूरे लंबाई जितना है इस तरीके से लेके जो कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। ये हमारा सबसे ऊपर वाले का कवर का माप बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हमारा सबसे ऊपर वाले का और सबसे आगे वाले पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। हमें दोनों साइड और पीछे वाले कवर की कटिंग करना बाकी है। तो आइए, अब हमने इस साइड से इसका कवर बनाएंगे। तो देखिए, साइड से आपको इसकी चौड़ाई का माप ले लेना है। ये देखिए, इसी साड़ी में जो टुकड़ा बचा हुआ है हम इसी टुकड़े से बनाएंगे। तो आपको साइड से इस तरीके से इसका माप ले लेना है इसकी चौड़ाई का, और उतने भर का इसकी कटिंग कर लेना है जितनी इसकी चौड़ाई है। आप चाहे तो इंची टेप से भी इसका माप ले सकते हैं, पर मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, इंची टेप से आप कन्फ्यूज ना हो। इसलिए मैं एक वीडियो बनाई थी उसमें इंची टेप से माप ली थी तो उसमें कमेंट आ रहा था कि मैम इस तरीके से बताइए ताकि बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं इसमें बिना इंची टेप का आपको बता रही हूँ। तो आपको इसकी पूरी लंबाई का माप ले लेना है। अगर आप चाहे इधर भी फ्रिल बनाना तो इधर भी फ्रिल बना सकते हैं, पर मैं इसमें इधर से साइड से फ्रिल नहीं बनाऊँगी तो इसलिए हमें इसको ऊपर से लेकर पूरी नीचे तक की अलमारी का माप ले लेना है, फिर इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमें इसी के बराबर 2 टुकड़े कट कर लेना ताकि हमारा दोनों तरफ से चौड़ाई का माप कम्प्लीट हो जाए। तो हमें इस तरीके से दोनों को बना लेना है। ये देखिए, ये तो हमारा आगे वाला हो गया। अब इसमें जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा है तो इसमें हमारा पीछे वाला बनाएंगे तो हमारा नहीं बन पाएगा। ये देखिए, इसको आधा करेंगे तो हमारा कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारा दोनों साइड से इसका कवर तैयार हो गया। ये देखिए, आपको इस तरीके से इसकी चौड़ाई के बराबर माप ले लेना है, इसकी लंबाई का भी एकदम एक बराबर माप ले लेना है। फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा सबसे ऊपर का और आगे का और दोनों साइड से कवर का माप हो चुका है। हमारा सबसे पीछे वाला बाकी है
अब ये साड़ी हमारा ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा बचा है, तो इस टुकड़े में से हम पीछे वाला पार्ट्स नहीं बना पाएंगे, तो इसके लिए हमें दूसरा साड़ी यूज करना है। ये देखिए, अगर आप ऐसे अलमारी कवर बनाना चाहते हैं तो अगर आपके पास डेढ़ साड़ी रहेगा, एक साड़ी पूरा पूरा और पीछे वाले पार्ट्स के लिए आधा और, तो आपका कवर अच्छे से बन पाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको इसमें दूसरा टुकड़ा यूज करना बताऊँगी, तो आपको इस तरीके से इसकी चौड़ाई का माप ले लेना है और इसकी पूरी लंबाई का भी माप ले लेना है। तो देखिए, आपको पूरा चौड़ाई इस तरीके से होना चाहिए और नीचे पूरा आपको नीचे तक लंबा का माप ले लेना है जो कि हमारा पीछे आएगा। और फिर हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें इसकी लंबाई तक पूरा नीचे का माप लेना है, बिल्कुल पीछे का साइड में छोटा नहीं करना है। आप चाहे तो ज़मीन से 2 अंगुल ऊपर रख सकते हैं, 2 इंच। तो देखिए, हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे आराम से। अगर आपके साड़ी में वर्क है तो आप उसको आराम से कटिंग कीजिए, बिल्कुल भी आपका कपड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो आपका कवर सही बैठेगा नहीं। आपको जो कटिंग करना है तो बिल्कुल सीधे सीधे कटिंग करना है, क्योंकि आपका अलमारी बिल्कुल सीधा है, तो इसलिए आप कपड़े कटिंग बिल्कुल सीधा ही करनी है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना बड़ा बड़ा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। आप लोग हमें जब लाइक करते हैं, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हम लोग आपको दिल से बहुत दुआ देते हैं। ये देखिए, आपको इस तरीके से इसको पीछे इस पर जोड़ लेना है, जो पीछे वाला पार्ट्स है आपको इस तरीके से सिल के इसको पीछे पलट देंगे तो पीछे वाला ऐसे हो जाएगा पीछे की साइड से। मैं अभी आपको सिलना बताऊंगी कि आपको सिलना किस तरीके से है। तो ये देखिए, हमारा पीछे वाला पार्ट्स जुड़ चुका है, इसमें मैंने इसमें जोड़ लिया है। आप इसको किसी भी एक साइड से इसमें जोड़ना था आपको। तो ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपका पीछे वाला पार्ट्स कंप्लीट हो गया। जब मैं ऊपर वाला कपड़ा था, ऊपर वाले पार्ट्स का कवर, तो मैंने उसी में एक साइड से जोड़ कर उसको पीछे लटका देना है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये आपका पूरा नीचे तक का लंबा पीछे से कवर हो गया है। और मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपको साइड से और ये आगे वाला कवर कैसे जोड़ना है। ये देखिए, सबसे पहले हम आगे जो फ्रिल बनाएंगे, तो इसमें फ्रिल बनाने के लिए हमें फ्रिल के कपड़े कटिंग कर लेना है। इसको हम दबा देंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ये देखिए, जब सिल जाएगा तो हमारा गिरेगा नहीं। ये तो हमारा दोनों जो साइड वाला है, ये देखिए पतला पतला है, तो हमारा दोनों साइड से इसको जोड़ लेंगे, इस साइड से इस तरीके से और दूसरा वाला इस साइड से ऐसे जोड़ लेंगे। और आगे जो हमारा ऊपर फ्रिल बनाना है, तो उस फ्रिल के लिए हमें कपड़े कटिंग करना है। तो इसमें हमारा कपड़ा बहुत लंबा नहीं बचा है, छोटा छोटा टुकड़ा ही बचा है, तो इसके हम जो बॉर्डर है उस बॉर्डर वाले में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ उसको जोड़ कर लंबा पट्टी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जो हमारा बॉर्डर है, इसी बड्डी से इसका इसी बॉर्डर से इसका फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरी बॉर्डर ले लिया। आपका कपड़ा कम है तो आप फिर भी एक बीते कम से कम ले लीजिए, एक बीता अपने अंदाज से। और अगर आप इंची टेप से माप रहे तो 8 या 9 इंच का माप ले लीजिए। 8 इंच हो गया, 8 इंच बहुत है। उसके बाद आपको 8-8 इंच का लंबा पट्टी तैयार कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसमें जितना बॉर्डर बचा हुआ था, थोड़ा छोटा छोटा टुकड़े में सारे बॉर्डर को निकाल इसमें जोड़ लेंगे, जोड़ के लंबा पट्टी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और फिर हम इसी का इस ऊपर वाले पार्ट्स में जो हमारा इसमें फ्रिल बना लेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको सिलना कैसे है। हमें इसी तरीके से नीचे वाले कपड़े के लिए फ्रिल के लिए लंबा पट्टी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, जो हमारा सबसे आगे वाला पार्ट्स है, देख सकते हैं आप, मैंने आगे वाले दोनों पार्ट्स को इस तरीके से बिछा लिया है, दोनों बॉर्डर बीच में करके। ये देखिए, और जो सबसे नीचे वाला हमारा है, हमें इसमें सबसे पहले फ्रिल बनाना है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सबसे ऊपर का पार्ट्स है जो हम ऊपर जोड़ेंगे, और ये हमारा जो सबसे नीचे ज़मीन पर फ्रिल बनेगा हमारा, उस वाला फ्रिल है। तो ये मैंने इसमें बिल्कुल प्लेन कपड़ा कट कर लिया है और इसकी पतली पट्टी तैयार कर ली है। ये हमारा साड़ी से ही बचा हुआ कपड़ा, जो छोटा छोटा टुकड़ा बचा हुआ था उसी को मैंने जोड़ के लंबा पट्टी तैयार कर लिया है। देखिए, देख सकते हैं अभी इसमें जोड़ आपको दिख रहा है। तो हमें इसमें फ्रिल बना लेना है, तो हमें दोनों में अलग अलग फ्रिल बनाना है। तो ये देखिए, मैंने इसको हमारे नीचे लटकेगा तो उसके किनारे को मैंने सिल लिया है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको इस पर इस तरीके से रख के और इसमें आपको फ्रिल बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से आप किनारे को थोड़ा सा फोल्ड करके सिल लेंगे ताकि आपको गंदा ना दिखे। और इस पर अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप इसमें बहुत पास पास फ्रिल बना लीजिए और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसमें प्लेट दूर दूर भी बना सकते हैं। इसमें आपको छोटा छोटा प्लेट दे के और इसमें सिलाई करके फिर आपको इस तरीके से पलट के इसके ऊपर एक और सिलाई कर लेना है। ये देख सकते हैं आप। तो आइए मैं आपको बताती हूँ
ये देखिए हमारा सिलाई हो चुका है, सीधा इसमें मैंने प्लेट डाल के सिलाई कर लिया है। अब हमें इसको वापस से नीचे की तरफ पलट के सीधा और इसके ऊपर एक और सिलाई कर लेना है। ये देखिए ये हमारा जो आगे वाला दो टुकड़ा था दो पार्ट्स में, तो हमें मैं एक पार्ट्स का ही बना रही हूँ, अलग अलग बनाएंगे ताकि हमारे अच्छे से बन पाएगा। ये देखिए हमें ठीक इसी तरीके से दोनों पार्ट्स के तैयार कर लेना है फ्रेल डाल के। तो ये देखिए नीचे वाला मेरा सबसे नीचे वाला पार्ट है, मैंने दोनों फ्रिल बना लिया है। अब यहाँ से आप ऊपर बढ़िए तो ये देखिए सबसे आपका ऊपर वाला पार्ट्स है, और ये जो मैंने पीछे वाला पार्ट्स जोड़ा था वो है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद ये हमारा बीच वाला पार्ट्स है सबसे जो अलमारी के ऊपर का रहेगा, तो हमें इसी ऊपर वाले पार्ट्स में इसको इस तरीके से बिछा दिया है मैंने कि आपको अच्छे समझ में आ सके। इसके बाद आपको इसी के जस्ट सामने वाले में आपको अपने ऊपर वाले को सिलना है, तो उसको सिलने से पहले हमें सबसे पहले इसमें फ्रिल बना लेना है। ये देखिए मैंने फ्रिल वाला कपड़ा भी लंबा कर लिया है इसमें। अब इसमें आपको ठीक जैसे आपने नीचे वाले में फ्रिल बनाया था हमें इसमें भी उसी तरीके से सिंगल कपड़े पे इस तरीके से देखिए इसमें प्लेट बनाते जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप जितना ज़्यादा इसमें प्लेट बनाएंगे चुन्नट डालेंगे उतना ही अच्छा दिखेगा। तो हमारे पास जितना ज़्यादा कपड़ा है सबका इसमें चुन्नट डाल के और इस तरीके सिलाई कर लेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे इसमें चुन्नट डल चुका है, देख सकते हैं आप। मैंने इसमें केवल चुन्नट डाल के सिंपल सिलाई किया है इसमें, बाकी और मैं किसी कपड़े को नहीं जोड़ा है। तो इसको हम फिर से वापस से पीछे की तरफ ऐसे पलट लेंगे जैसे चुन्नट आप सिलते हैं उस तरीके से। ये देखिए और इसके ऊपर से आपको ये देखिए एकदम अच्छे से इसको सीधा कर लेना है। और ये जो सबसे आगे वाला पार्ट्स है इसको आप इस बीच का सेंटर बना लेना है, जो पीछे ऊपर वाला पार्ट्स है, तो हम इस तरीके से फोल्ड करके उसमें बीच का सेंटर बना लेंगे ताकि हमें समझ में आ पाएगा। यहाँ पे हम टिक लगा लेंगे। और ये देखिए ये जो हमारा आगे वाला पार्ट है, तो इसको हम इसके ऊपर पलट के इस तरीके से सिलना है। आपको ये ध्यान रखना है अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर है तो आप बॉर्डर आगे वाला ही आगे ही कीजिए, अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर नहीं है तो आपको जो साड़ी में किनारा बना हुआ है तो आप किनारे वाले कपड़े को बीच में करेंगे तो आपको बीच में सिलाई नहीं करना पड़ेगा। और इस पर आपको चार अंगुल इसको बीच वाले सेंटर से आधा बढ़ा कर लेना है। और ये देखिए दूसरे वाले कपड़े को इस साइड में पलट के इस तरीके से, और इसके ऊपर आपको चार अंगुल चढ़ा लेना है कम से कम 2-3 इंच। ये देखिए इस तरीके से इतना चढ़ा के इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए अब हमें यहाँ से पूरा यहाँ तक का सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये हमारा सबसे आगे वाला पार्ट्स भी इसमें जुड़ चुका है। पीछे वाला तो मैं आपको कटिंग करते समय ही जोड़ के बताई थी, और उसी पीछे वाले के जस्ट सामने वाले भाग में हम आगे वाले को जोड़ के इस तरीके से ये देखिए लंबा तैयार कर लेंगे। अब ये हमारा जो फ्रिल है इसको हमें आगे की तरफ कर लेना है। अब हम अपने साइड वाले कवर को जोड़ेंगे जो हमारा साइड में भी रह गया है। ये हमारा बहुत बड़ा अलमारी कवर है, इसके लिए जगह बहुत बड़ा होता है, वीडियो बनाने के लिए तो और ज़्यादा जगह होता है, बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए आपको। तो ये देखिए हम इसको आगे की तरफ कर लेंगे। और हमारा जो दोनों साइड से है तो इस साइड वाले कपड़े को हमें इस तरीके से इस पर रख के ये देखिए आप चाहे तो इसका बॉर्डर जिधर करना चाहे उधर कर सकते हैं, पर मैं आगे की साइड में करूँगी कि आगे की साइड में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके ऊपर रख के हमें इसके ऊपर भी ऐसे सिलाई करके इसको जोड़ लेना है। ये देखिए हम इन दोनों को सिलाई करके जोड़ लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए हमारे इस पर सिलाई करके जुड़ चुका है। इतना बड़ा बड़ा मैं बार बार मशीन पे ले जाऊँगी, फिर इस ये कैमरा हटाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट ऐसे बता रही हूँ कि आपको यहाँ से सिलाई करना है। फिर आपको इस कपड़े को ये देखिए मैं आपको बताऊँ कि आपको इसको करना कैसे है। आपको यहाँ बहुत ही ध्यान देना है, ये मैंने डोरी बना लिया है देख सकते हैं आप।
पतला पतला इस डोरी का लिंक मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से अगर आप बनाना चाहते हैं इसमें कोई सा भी डोरी यूज कर सकते हैं, जैसा आप अपने सलवार में नाड़ा लगाते हैं आप वैसा ही नाड़ा बना के इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इसका लिंक इस कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से टच करके और इसको डोरी को बना सकते हैं। आपको बराबर बराबर दूरी पे इसको लगा लेना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है खास, पर ये थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा दिखता है लटकन पुदीना की तरह। तो मैंने छोट छः डोरी बनाए हैं और इसको बीच बीच में आमने सामने देखिए इस तरीके से इनको सिलाई करके जोड़ लेना है। ये देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो दोनों साइड वाला मैं जोड़ रखी थी तो इसको आपको पीछे की साइड में नहीं उठाना है, एकदम ध्यान से देखिए। आपको बिल्कुल भी ध्यान, आपको अगर वीडियो को थोड़ा सा भगाएंगे तो आपका कवर यहीं से बिगड़ जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि आप कैसे बनाएं कि आपका कवर बिगड़ गया। तो ये देखिए, यहाँ से आपको इसको आगे की साइड में इस तरीके से उसी किनारे पे इसको ऐसे घुमाते हुए पूरा नीचे तक ला के और इस पर सिलाई कर लेना है। आपको पीछे की साइड में नहीं ले जाना है, आपको यहीं से आगे की साइड में घुमा लेना है। आप इसमें भी ध्यान दीजिए कि देखिए कि इधर से आपको पीछे का जो साइड है उधर से नहीं, इधर पीछे की साइड है तो उधर से नहीं, आपको यहीं इसी कोने से ऐसे घुमा लेना है। ये देखिए, और फिर आपको इस पर सिलाई करके इसको जोड़ लेना है। ये देखिए, और जब हमारे ये दोनों सिलाई करके जुड़ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, फिर हम यहाँ से इस पीछे वाले पार्ट्स के पास में जो किनारा है तो हम इस वाले कवर को भी ऐसे पलट लेंगे इसके ऊपर से, और इसके बाद आपको इस वाले किनारे को भी ऐसे जोड़ लेना है। ये देखिए, जो इसके पास में किनारा है, तो इस तरीके से हमारा कवर चारों तरफ से बंद हो गया, ऊपर से पीछे से दोनों साइड से भी। हम दोनों इसके भी इधर सिलाई कर लेंगे पूरे कपड़े पे, और ये जो हमारा इस किनारे वाला है तो हमें इस किनारे भी इसी कपड़े में देखिए, ये यहाँ से आपको इन दोनों को पकड़ के सिलाई कर लेना है। अगर आप कंफ्यूज होते तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए, मेरा कवर चारों तरफ से जुड़ चुका है, देख सकते हैं आप, ये दोनों साइड से भी बंद हो गया और ये आगे पीछे चारों तरफ से बंद है। ये देखिए, और ये मैंने सिलाई कर लिया है आगे वाले में जोड़ के, और ये देखिए मैंने पीछे वाले में भी जोड़ के इस पर सिलाई कर लिया है दोनों साइड से। अब ये हमारा कवर बनकर कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपको लगाना कैसे है। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से सिलाई कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। मैंने इसी अलमारी का कवर बनाई थी तो उस पर कमेंट आ रहा था कि मैं हमारा कवर तो बन गया पर हम इसको अब लगाएंगे कैसे। उन मेरे भाई बहन ने मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक नहीं देखा था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं एक बार में आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ पाता है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको बहुत अच्छे समझ में ज़रूर आ जाएगा। अगर आप फिर भी कहीं कन्फ्यूज़ होते तो आप कमेंट करके पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपको। अभी देखिए, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपको इस कवर को लगाना कैसे है। बहुत आसान तरीके से कवर बन गया है और हम इसको उतना ही आसान तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए, जो हमारा पीछे वाला पार्ट्स था इसको हम इस तरीके से पकड़ लेंगे, और आगे वाला हमारा जो पार्ट्स है खुला है। ये देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको आपको इस तरीके से इसके ऊपर पीछे की तरफ रख देना है पूरे कवर को, और इसको धीरे धीरे आपको उस साइड में पीछे की साइड में और दोनों साइड से गिरा लेना है। ये देखिए, आपको बहुत ही इसमें आसानी से बन जाता है, बिल्कुल बिना किसी मेहनत के बन जाता है, मेहनत नहीं लगता है बिल्कुल भी। अगर आप मेरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके अलमारी कवर बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। अगर आपके पास भी अलमारी है तो प्लीज़ आप अपने अलमारी कवर ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं या फिर गंदा हाथ होता है किसी तरीके से लग जाता है तो हमारा अलमारी गंदा हो जाता है। और ये कवर ऐसा है कि आपका कवर लगा रहेगा और बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के आप अलमारी को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और इसमें आपका कवर लगा रहेगा, यूज करते रहेंगे। देखिए, हमारा नाड़ा आप चाहे तो इसमें बांध भी सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे तो इसको मत बांधिए, ऐसे खुला छोड़ दीजिए, सुंदर लगता है। अगर आप कहीं लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो इसको आप बांध के छोड़ दीजिए। अगर आपको घर पे ही रहना है, डेली यूज करना है, तो आप इस गांठ को बांधिए मत, वैसे खुला छोड़ दीजिए, लटकने से फुदेना की तरह लटका रहेगा और सुंदर दिखेगा। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए लगा दी हूँ कि ब्लू कलर का बॉर्डर तो इस पर येलो कलर का हमारा फुदेना लटक जाएगा तो अच्छा लगेगा झालर की तरह। तो हम इसमें सारे इस गांठ को बांध लेंगे।
ये देखिए, अगर आपके पास कोई मोटा कपड़ा है तो आप इसके अलमारी पे सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट्स पे कोई मोटा कपड़ा कॉटन का बिछा लीजिए। उसके बाद आप इस कवर को लगाएंगे तो आप कवर बिल्कुल उसी में चिपक जाएगा, हिलेगा नहीं। अगर आपके पास फिर भी कोई मोटा कपड़ा है तो आप चाहें तो इसके ऊपर वाले पार्ट्स पे डाल के सिल भी सकते हैं। देखिए जो थोड़ा खींच जा रहा है, तो हमारा ऊपर वाला कपड़ा साड़ी का है इस वजह से खींच रहा है ये। अगर आपके पास मोटा कपड़ा है तो सबसे अलमारी के जो ऊपर वाला पार्ट्स है आप उस पार्ट्स मोटा कपड़ा सिल लेंगे तो अलमारी के साथ बैठ जाएगा। अगर फिर भी नहीं तो आप इस पर थोड़ा सा कुछ बिछा देंगे ऊपर से मोटा कपड़ा तो दब के बैठ जाएगा। अभी देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी अलमारी इस तरीके से रहेगा और आराम से आपका अलमारी खुलता रहेगा। इसको हल्का से यहाँ से उठा के इसको खोल लीजिए और फिर इसको आप बंद कर सकते हैं इसी तरीके से। ये देखिए आपका अलमारी कवर इसी में लगा रहेगा और बंद होता रहेगा। ये पतला है साड़ी, देखिए ऊपर से इसलिए खींच जा रहा है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा मोटा रहेगा तो नहीं खींचेगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी रिश्तेदार में, किसी दोस्त की, किसी फ्रेंड की, किसी की ज़रूरत है इस वीडियो की तो आप उसके पास भी शेयर कर सकते हैं, जिसके पास अलमारी हो, जो हमारे अलमारी को देख, कवर को देख अपने अलमारी कवर बना सके। आप मेरा वीडियो उसी के पास भेजें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, ऐसे किसी के पास ना भेजें जो हमारे वीडियो को देखे ही ना। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर हमारा अलमारी कवर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका अलमारी पुराना भी हो जाता है और आप कवर ऐसे बना के लगा देते हैं, आप फिर आप घर में कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आते हैं, कोई भी बाहर से आने वाला आता है तो आपका अलमारी बिल्कुल नया का नया दिखता है, आपका अलमारी का पुरानापन छिप जाता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।